हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर मैथ्स। टुडे वी विल डिस्कस सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, लेक्चर नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होती है, जरा ध्यान दें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। किसी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमाइंट फाइंड करें और उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता है तो उस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर उसकी वैल्यू जीरो आए तो उस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल गिवन है, 3x3 का हमने एक डिटरमिनेंट लिया हुआ है। इसका जब हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया हुआ है तो कैसे फाइंड करते हैं, ज़्यादा ध्यान दें। पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो वन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे तो मिलेगा आपको 2, 1 एंड 2 -3। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें, 2 × -3 तो 2 × -3 -2 × 1 2 × 1। अब हम लेंगे सेकेंड एलिमेंट। जब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो बीच में माइनस साइन आता है, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2, ब्रैकेट में आएंगे तो आपको ड्रॉप करना है, फर्स्ट रो ड्रॉप करनी है और सेकेंड कॉलम ड्रॉप करना है तो मिलेगा 1 × -3 तो 1 × -3, बीच में माइनस साइन होता तो माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, 1 × -3 हो गया और ये 1 और ये -1 तो हो जाएगा 1 × -1 तो 1 × -1। फिर आएगा प्लस का 3 तो प्लस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 1, 2 -1, 2 तो हो जाएगा 1 × 2 तो ये हो गया आपका 1 × 2 -2 × -1 तो 2 × -1। सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 3 = -6 -2, ये प्लस का 2 हो गया, 1 × -3 -3, ये माइनस प्लस 1 × 1 1 प्लस 3, 1 × 2 -2 × -1 तो -1 प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हो गया 2 + 2। दैट मीन्स -6 - 2 - 8 प्लस 2 × -3 + 1 करेंगे तो मिलेगा आपको -2 प्लस 3 × 2 + 2 तो हो जाएगा 4। तो -8, ये 2 × 2 = -4 हो जाएगा प्लस 3 × 4 = 12 तो -8 - 4 हो जाएगा -12 और ये प्लस का 12 कैंसिल होके मिलेगा आपको 0। दैट मींस जो आपकी मैट्रिक्स है ये प्रूफ हो गई कि जो गिवन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं वो 6 मार्क्स के लिए होते हैं। तो आपका टॉपिक है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले माइनर होता क्या है इस पर हम देखेंगे। माइनर होता क्या है, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। अब M इंडिकेट करता है माइनर्स को, I इंडिकेट करता है रो को और J इंडिकेट करता है कॉलम को, MIJ। तो एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें माइनर्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स A गिवन है, ये आपकी जो मैट्रिक्स ले रखी है हमने स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम लिखेंगे A11, सेकेंड एलिमेंट को लिखेंगे A12, सेकेंड रो में आएंगे तो ये हमारा A21 हो गया और ये आपका A22 हो गया। अब इसके अंदर अगर 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके माइनर्स भी 4 होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखेंगे। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे M11 कैसे फाइंड करेंगे, देखें, M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो हम लोग ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे, जो एलिमेंट बचेगा
वो एम वन वन की वैल्यू होगी, तो बचा हमारे पास टू। इसके बाद हम लोग लेंगे एम वन टू, तो एम वन टू का मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो आपने ड्रॉप कर दिया और सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर दिया, बचा हमारे पास क्या माइनस थ्री, तो वैल्यू हो गई माइनस थ्री। इसके बाद हमारे पास आएगा ए टू वन, सॉरी एम टू वन। एम टू वन का मतलब हो गया कि सेकेंड रो है और ये आपकी फर्स्ट कॉलम है। एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं, ये आपकी सेकेंड रो हो गई और ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, बचेगा क्या हमारे पास माइनस सेवन, तो एम टू वन की वैल्यू हो गई माइनस सेवन। नेक्स्ट हमारे पास एम टू टू मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ड्रॉप कर देंगे, सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, बचेगा हमारे पास फोर, दैट मीन वैल्यू हो गई फोर। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का हम माइनस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हम माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दें, ये आपकी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका जो होता है, तो ये थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की आपकी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ये आपका होगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। हमें इसका फाइंड करना माइनर्स, तो माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का जो माइनर्स फाइंड करते हैं वो बहुत ही आसान होता है, हमने देखा है, लेकिन थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होता है उसके माइनर्स फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, देखेंगे। तो पहले आते हैं एम वन वन। एम वन वन का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें फर्स्ट रो ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट। तो बचेंगे कौन कौन से हमारे पास, टू माइनस वन, फोर माइनस थ्री, ये लिख दिया हमने। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, बीच में माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दिया, माइनस फोर इंटू माइनस वन, तो माइनस फोर इंटू माइनस वन, ये हो जाएगा आपका टू थ्री जा सिक्स, माइनस माइनस फोर इंटू माइनस वन, तो जाएगा प्लस का फोर, तो ये आएगा माइनस का फोर, सिक्स माइनस फोर दैट मीन्स टू, तो एम वन वन की वैल्यू हो गई टू। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एम वन टू। एम वन टू का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जो देखेंगे तो फर्स्ट रो ड्रॉप कर देंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, तो एलिमेंट्स हमारे पास बचेंगे माइनस थ्री, माइनस वन, टू एंड थ्री। सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस थ्री इंटू थ्री, माइनस टू इंटू माइनस वन, तो माइनस थ्री इंटू थ्री करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस का नाइन, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस, टू बन जा टू, तो माइनस नाइन प्लस टू दैट मीन्स माइनस सेवन। नेक्स्ट आपका आता है एम वन थ्री। एम वन थ्री मीन्स हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ड्रॉप कर देंगे, थर्ड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, एलिमेंट्स बचेंगे माइनस थ्री, टू, टू, माइनस फोर। नाउ वी सिंप्लीफाई, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, माइनस टू इंटू टू, तो ये माइनस माइनस प्लस, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस टू टू जा फोर, दैट मीन्स ट्वेल्व माइनस फोर एट, तो ये हो गया आपका एम वन थ्री। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एम टू वन। तो एम टू वन मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी सेकेंड रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो को ड्रॉप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो बचेगा टू थ्री, माइनस फोर थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, माइनस माइनस फोर इंटू थ्री, तो ये टू थ्री जा सिक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस हो जाएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन। अब फाइंड करेंगे एम टू टू। एम टू टू का मतलब हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो को ड्रॉप करेंगे और सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं आपके वो होंगे वन थ्री टू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन इंटू थ्री माइनस टू इंटू थ्री, दैट मीन्स थ्री माइनस सिक्स, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा माइनस थ्री। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे एम टू थ्री। एम टू थ्री सेकेंड
रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो को ड्रॉप करेंगे और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो आपको बचे हुए रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे 1, 2, 2, -4। सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1 × -4 - 2 × 2, 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 × -4 दैट मीन्स -4 - 2 × 2 = 4 दैट इज -4, तो -4 - -4 हो जाएगा आपका -8, तो ये वैल्यू हो गई आपकी M23। नेक्स्ट M31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो को ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो होंगे आपके 2, 3, 2, -1, तो 2 × -1 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 2 - 2 × 3 = 6 - 6, -2 - 6 - 8। नेक्स्ट है M32, मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो होंगे हमारे पास 1, 3 - 3 - 1, तो 1 × -1 - 3 × 3, ये हो गया आपका 1 × -1 करेंगे तो मिलेगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 × 3 = 9, 9 - 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 8। नेक्स्ट आपका है M33 मींस थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ड्रॉप करेंगे और थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो आप बचे हुए एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1, 2 - 3, 2, सॉल्व करेंगे 1 × 2 - -3 × 2, तो 1 × 2 = 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, तो ये हो गया आपका M338। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं माइनर्स, तो माइनर्स तो बहुत ही इजी लगा आपको, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स पे। कोफैक्टर्स इट इज डिनोटेड बाय CIJ, जैसे माइनर्स को हम MIJ से डिनोट करते हैं, वैसे ही कोफैक्टर्स को डिनोट करेंगे CIJ। सी मींस कोफैक्टर, आई मींस रो, जे मींस कॉलम, तो स्टार्ट करते हैं। एक हम लोग लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो बहुत ही आसान होता है, वर्किंग हमें करनी पड़ती 3x3 ऑर्डर के लिए। तो पहले हम चेक करते हैं, एक मैट्रिक्स हमारे पास है A = 4 - 7 - 3 - 2, इसके हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं माइनर्स से, तो बहुत ही सिंपल है, देखें ध्यान से फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, CIJ जब कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो फार्मूला यूज करते हैं CIJ = -1 to power i + j × MIJ। CIJ आई रो जे कॉलम ये इंडिकेटर होता है = -1 to power i + j, मतलब जो हम रो और कॉलम लेंगे उसका एडिशन × MIJ। MIJ किस रो का हमें कॉलम और फैक्टर, कॉलम रो का हमें माइनर लेना है वो इंडिकेट करता है MIJ को। तो देखिए जो मैट्रिक्स गिवन है इसका पहले फाइंड करेंगे हम C11, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 इसके को फैक्टर्स होंगे, तो पहला होगा C11। C11 फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला C11 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, फॉर्मूला क्या होता है -1 to power i + j, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 to power i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1, तो हो गया 1 + 1 × M11, तो -1 power 2 हो जाएगी इंटू ये M11 की वैल्यू 2। देखिए M11 मतलब हो गया, M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 2, तो ये हो गया C11। अब हम लोग फाइंड करेंगे C12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -1 to power 1 + 2 × M12, तो ये हो जाएगा -1 to power 3 × M12 की वैल्यू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -3, तो ये हो गया आपका -3, तो -1 to power 3 करेंगे तो मिलेगा आपको -1 और −3 दैट मीन्स प्लस का 3।
नेक्स्ट C21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -1^2 + 1 m21। तो -1^3 इंटू एम टू वन की जो वैल्यू है, चेक करते हैं, m21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे तो बचेगा -7, तो ये वैल्यू हो गई -7। तो -1 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा -1 इंटू -7, दैट मीन्स +7। नेक्स्ट है हमारे पास C22। C22 का मतलब हो गया -1^2 + 2 m22। -1^4 × 4 m22 की वैल्यू 4। -1^4 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, 1 × 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 4। दैट मीन C22 की वैल्यू हो गई 4। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के को फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपकी गिवन है 3x3 ऑर्डर की। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको फोकस करना है इसके कैलकुलेशन पर। आपने जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो को फैक्टर्स फाइंड किया हुआ है, उसमें आपने देखा है कि जो को फैक्टर्स हम लोग फाइंड करते हैं C11, C12, C13 या C21, C22 जो फाइंड करते हैं, इसमें जो फार्मूला यूज होता है -1^i + j × cij, इससे ये डिसाइड होता है कि जो हमारे को फैक्टर्स आते हैं उनके जो साइन होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलते हैं। C11 का मतलब हो गया पहले पॉजिटिव आएगा, C12 का मतलब हो गया निगेटिव आएगा, C13 का मतलब हो गया पॉजिटिव आएगा, ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से हम लोग साइन आता है। तो कैसे हम इसको चेक करेंगे एक बार करके देखते हैं। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं C11, तो क्या हो जाएगा -1^1 + 1 m11। तो -1^1 + 1 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे C11 का आपका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, C12 का निगेटिव होगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो -1^3 हो जाएगा, और ऑड पावर होती है तो वैल्यू निगेटिव आती है। तो पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन आते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन यूज करना है। तो C11 में जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट के बाहर वो पॉजिटिव होगी। अब ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। M11 का मतलब हो गया कि हम फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे। ये आपने फर्स्ट M11 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट रो ड्रॉप करनी है और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है। जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 -4 × -1, तो -4 × -1 ये हो गया आपका। अब आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2 × 3 = 6 और ये -4 × -1 तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, 6 - 4 दैट मीन्स 2। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसका साइन आपका कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के जो पहले है वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन आपको यूज करना है। देखिए यहां पर पॉजिटिव आया, नेक्स्ट वाले में निगेटिव आएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे C12। तो C12 देखिए निगेटिव वैल्यू आएगी, -1^1 + 2 करेंगे तो माइनस मिलेगा आपको, क्योंकि -1^3 करेंगे दैट मीन्स माइनस साइन आएगा। इसमें क्या मिलेगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट रो ड्रॉप कर देंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉप कर देंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट। तो मिलेगा -3 × 3 -2 × -1, तो -9 बचेगा और प्लस का 2 दैट मीन -7 आएगा, और -7 का मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का 7। नेक्स्ट फाइंड करेंगे C13 -1^1 + 3। देखिए पहला पॉजिटिव आया था, दूसरा निगेटिव आया, अब ये फिर वो आपका पॉजिटिव मिलेगा, प्लस का 1 मिल रहा है, -1^4 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, इंटू 1^3 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो ड्रॉप करनी है और थर्ड कॉलम ड्रॉप करना है, जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स। तो मिलेगा आपको -3 × -4 -2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 × -3 × -4 करेंगे तो मिलेगा प्लस का 12 -2 × 4, तो 12 - 4 करेंगे तो मिलेगा आपको 8। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1^2 + 1 × अब सेकेंड रो ड्रॉप करेंगे फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे,
जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स। तो एलिमेंट्स जो बचेंगे उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 2 × 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 4 × 3। तो ये माइनस 1 पावर 3, दैट मीन्स माइनस वन आएगा, नेगेटिव आ गया, उसके पहले पॉजिटिव आया था, ये माइनस हो गया। 2 × 3 = 6 प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 3 = 12। तो 12 + 6 = 18 और 18 × -1 तो हो जाएगा आपका माइनस का 18। नेक्स्ट है आपका C22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो -1 × 2 + 2 इन ब्रैकेट। अब जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो मिलेगा आपको 3 - 6, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 1 और इसकी वैल्यू आएगी -3। तो 1 × -3 दैट मीन्स -3। नेक्स्ट आपका आता है C23, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो -1 × 2 + 3 ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स, तो मिलेगा 1 × -4 - 2 × 2। तो -1 × -4 - 4 हो जाएगा माइनस का 8 और -8 × -1 करेंगे तो प्लस का 8। नेक्स्ट C31, C31 मीन्स हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखें आपको थर्ड रो ड्रॉप करनी है और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करना है, बचेगा हमारे पास क्या, 2 − 3 = 2 − 1। तो ये जो एलिमेंट्स बचे हैं इसका हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो हो जाएगा 2 × -1, तो 2 × -1 माइनस ये 2 × 3, तो ये हो गया आपका 2 × 3। तो -1 × 4 दैट इज प्लस का 1 हो गया, 2 × -1 -2 हो गया, 2 × 3 = 6 तो हो गया ये आपका 6। तो -2 - 6 हो गया आपका -8। नेक्स्ट आपको फाइंड करना C32, तो -1 × 3 + 2 * अब जो थर्ड रो को ड्रॉप करना है और सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करना है, जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो आपको मिलेगा 1 × -1 माइनस -3 × 3। तो 1 × -1 - 1 ये माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, 9 - 1 करेंगे तो बचेगा आपके पास प्लस का 8 और उस 8 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो मिलेगा आपको -8। नेक्स्ट आपका है C33, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ड्रॉप करना है। तो -1 × 3 + 3 * रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है उसका फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो आपको मिलेगा 1 × 2 माइनस 3 × 2। तो 1 × 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 2, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 × 2 = 6, 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई -1 से कराएंगे तो मिलेगा आपको -8। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब आता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे फाइंड करना होता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट मेथड। तो उसके लिए पहले आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है, इसके बाद उसका हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो हम लोग आ चुके हैं अब एडजॉइंट पर कि किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो होता क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे, मतलब क्या हुआ इसका, कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, उस मैट्रिक्स के हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स और उस कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा, कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखते हैं, जैसे आपकी एक कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू, ये आपकी 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, उसके एलिमेंट्स गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका पहले फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। तो देखिए ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड किए हुए कोफैक्टर्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका फाइंड कर लिया हमने कोफैक्टर्स, मतलब A11, A12, A13। तो यहाँ कोफैक्टर्स लिखेंगे C11, C12, C13, ये दे रखा है आपका C11, C12, C13, ये आपने कोफैक्टर्स को पुट कर दिया।
और उस पर लगा दिया ट्रांसपोज, मतलब जो कोफैक्टर्स मिलेंगे जब उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, तो जो रो थी वो कन्वर्ट हो गई कॉलम में, तो C11, C12, C13, C22, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ले रखी है 2x2 ऑर्डर की, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -2, -3, -5, -4, इसका आपको फाइंड करना है एडजॉइंट। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है एक नंबर के लिए तो ये बहुत ही आसान होता है। जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 4 आपका वहां पहुंच जाएगा। और जो ऑफ डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एज इट इज रहते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे इसके कोफैक्टर्स C11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो मिलेगा 4। C12 फाइंड करेंगे तो अब देखिए पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव साइन आ गया, हमने पहले लगा रखा है माइनस साइन, तो C12 का मतलब हो गया माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -5 बचेगा, तो ये -5 लिखा, ये -, प्लस तो हो गया 5। जब को फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन आते हैं, पहले पॉजिटिव लिया फिर निगेटिव लिया फिर पॉजिटिव लिया फिर निगेटिव लिया, तो इस तरह से आते हैं। तो देखिए अब हम लेंगे C21। अब ये भी ध्यान रखें जो ये 2-1 है या 1-2 है, इनका जो सम है वो अगर इवन है तो पॉजिटिव होगा, अगर सम इसका ऑड है तो फिर निगेटिव होगा। जैसे 1+2 करेंगे तो ऑड हो जाएगा, तो ये माइनस लगा हुआ है। 2+1 करेंगे 3 होगा, वो भी ऑड है तो भी यहाँ पर माइनस लगाया हमने। तो क्या किया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दिया, बचा हमारे पास 3, तो ये हो गया माइनस और ये 3 तो हो गया -3। अब फाइंड करेंगे C22, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम सम करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 जो पावर होगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अब इस सॉल्व करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बचा क्या हमारे पास -2, तो ये हो गया आपका -2। ये आपके आ गए कोफैक्टर्स। अब इस कोफैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करेंगे हम लोग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स निकले हुए हैं C11, C12, C21, C22, ये लिख दिया। अब उसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करने पर जो रो होती है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है, तो 4, 5, -3, 2, ये हो गए आपके ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये टोटल आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका निकला है एडजॉइंट ऑफ ए।